के लिए भारत सरकार कई कदम उठा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी सशक्तिकरण को और उभार कर सामने लाने के लिए सरकार साल 2024 में एक ऐसा कदम उठाने जा रही जो कि महिलाओं के लिए काफी खास होने वाला है। दरअसल सरकार अगले साल गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन करने जा रही है जिसमें केवल महिलाएं कर्तव्य पथ पर सभी गतिविधियों में भाग लेती नजर आएंगी। ऐसा पहली बार होगा कि गणतंत्र दिवस की परेड, मार्च पोस्ट, झांकी और प्रदर्शनों में केवल महिलाएं दिखेंगी। इस बात की जानकारी रक्षा सूत्रों ने इंडिया टुडे को दी है। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना के मुताबिक यह कहा गया है कि बड़े स्तर पर विचार विमर्श के बाद यह फैसला लिया गया है कि गणतंत्र दिवस 2024 में कर्तव्य पथ पर परेड के दौरान प्रतियोगियों, झांकी और प्रदर्शन सहित सभी कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी होगी। रक्षा मंत्रालय ने इस मामले पर गृह मंत्रालय, संस्कृति और शहरी विकास सहित अन्य मंत्रालयों को भी सूचित कर दिया है। बता दें हाल के वर्षों में रक्षा बलों और अर्धसैनिक टुकड़ियों की सभी संभावित भूमिकाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी के विजन के अनुरूप महिला आकस्मिक कमांडरों और डिप्टी कमांडरों को चुना गया है। इसी के साथ लड़ाकू भूमिकाओं में भी महिलाओं की तैनाती पहली बार की गई। सरकार के इसी प्रयासों के कारण महिलाएं भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट भी बन पा रही हैं और जवानों के रूप में सेना में भी शामिल हुई। हाल ही में सेना ने महिला अधिकारियों के लिए आर्टिलरी की रेजिमेंट भी खोली है। पीएम मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 99वें संस्करण में संबोधित करते हुए कहा था कि भारतीय महिलाएं और उनके सशक्तिकरण भारत के विकास को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा था कि नारी शक्ति आगे बढ़कर हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही है। 2024 का गणतंत्र दिवस इसी दिशा में सार्थक पहल के तौर पर सामने आएगा। भारत सरकार की तरफ से उठाया गया ये कदम ऐतिहासिक होने वाला है क्योंकि इससे पहले कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला था। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक।